फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आज सिविल लाइन स्थित एक होटल में कॉन्क्लेव का आयोजन कराया गया, जिसमें कॉन्क्लेव का आयोजन होने के बाद यहां पर मांसाहारी भोजन लोगों को परोसा गया। यहां पत्रकारों के लिए प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया था। वहीं अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यहां खुलेआम लोगों को मांसाहारी भोजन परोसा गया, जबकि वैष्णो संप्रदाय के द्वारा यहां पर संगम क्षेत्र में मांस मदिरा मच्छी पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी। वहीं अब इस वीडियो को वायरल होने के बाद साधु संतों में काफ़ी आक्रोश है। बता दें, जहां श्रीमद् जगत गुरु नारायण आचार्य सांडिल महाराज सिंगवेरपुर पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि यहाँ सीएम योगी की सरकार है और ऐसा कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कुंभ के कार्य में जिस तरह से मांसाहारी भोजन परोसा गया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। टूरिज्म विभाग द्वारा आज कुंभ मेला का जो आयोजन हो रहा था, उसका कोई कार्यक्रम था, उसमें मांस परोसा गया। तो ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पर ऐसा कृत्य करना जघन्य अपराध है। अगर ऐसा कोई कृत्य किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए। हम सब लोग शुरुआत से मांग कर रहे हैं कि संगम क्षेत्र में, पूरे परिक्षेत्र में मांस मदिरा शराब का सेवन या बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाए। और जिस तरीके से आज यह कृत्य सिविल लाइन परिक्षेत्र में हुआ है, तो यह घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री योगी जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसको अपने संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब सड़कों पर मारपीट करना आम बात होती जा रही है, और एक और वीडियो अब सामने आया है जो कि सिविल लाइंस के नेक्सस शोरूम के पास का बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जहां महिला आरोप लगाती दिखी कि आपने हमारे साथ बदतमीजी की है, जिसके बाद महिला लड़कों का कॉलर पकड़कर और लड़कों से झपटा झपटी होती है। उत्ते में महिला पक्ष के लोग भी वहां पहुंचते हैं और लड़कों पर हाथ छोड़ते हैं, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी महिला और उसके साथी को मारपीट करने लगते हैं। फिलहाल दोनों पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है, जो कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेक्सस शोरूम के पास का बताया जा रहा है। अब देखना होगा इनमें किस तरह की कार्रवाई होती है इन पर, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम इन्होंने मारपीट की है, लोगों की यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग फिल्म की शूटिंग की तरह भीड़ लगाकर यहाँ पर देखते दिखाई दिए। लड़ाई काफ़ी देर तक यहाँ पर खुलेआम सड़कों पर तांडव करते दिखे दोनों पक्ष के लोग, जिसके कारण काफ़ी देर तक यहाँ लोग खड़े होकर देखते रहे और जिसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बना लिया और अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बता दें, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग जमकर मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे पर मारपीट करते दिखाई दिए हैं। और अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह आए दिन सड़कों पर मारपीट होती रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस के एक नेता इरशादुल्ला का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ बीते दिनों महात्मा गांधी से बात करते हुए इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये चुनावी मौसम विभाग के द्वारा राहुल गांधी को आंधी बता रहे हैं और साथ ही भाजपा को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर तूफान बढ़ रहा है। क्या कुछ कहा है वायरल वीडियो में, आइए दिखाते हैं आपको। मौसम विभाग ने सूचना जारी कर चेतावनी दी कि राहुल गांधी नाम का एक तूफान बड़ी तेजी से आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे मोदी परिवार में भारी तबाही की आशंका है। सभी भाजपाइयों को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। इस तूफान 4 जून को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। यह सूचना जनहित में जारी।
जहां प्रयागराज के मुंडेरा की रहने वाली महज 12 साल की बेटी सानवी सोनकर ने यमुना नदी में मात्र 17 मिनट में तैरकर पार कर लिया है। सानवी गर्ल्स हाई स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा है और उसने अब प्रयागराज का नाम रोशन किया है। स्कूल में गर्मी की छुट्टियों होने पर सानवी ने तैराकी सीखने के लिए नवजीवन स्विमिंग क्लब में प्रवेश लिया, जहाँ महज एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही बच्ची ने यमुना नदी को तैर कर पार कर लिया। सानवी ने मीरापुर के बरगद घाट से तैरना शुरू किया और नैनी की और सिंधु सागर घाट ककरा घाट तक तैर कर समाप्त किया। साथ लगी नाव से पिता संजय सोनकर एवं मां सुनीता के साथ पंकज सिंह, नवेदिता सिंह, आलोक, संदीप विश्वकर्मा चल रहे थे। बीच बीच में दर्शकों ने ताली बजाकर सानवी का उत्साहवर्धन किया। यमुना नदी में लंबाई लगभग 600 मीटर व गहराई 25 फीट है। प्रशिक्षक त्रिभुवन निषाद ने बताया कि वे हर साल कमला निषाद एवं लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर मानस निषाद के सहयोग से सैकड़ों बच्चों को नवजीवन स्विमिंग क्लब के माध्यम से मीरापुर बरगदार तैराकी का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे में अब सानवी ने जिस तरह से यमुना को पार किया है, लोगों में चर्चा का विषय बना है। प्रयागराज की सानवी ने फिर से एक बार नाम किया रोशन। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ गर्मी भीषण पड़ रही है और ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जो व्यवस्थाएं नगर निगम कराता था, मगर अब वे काम समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं। बता दें, सड़कों पर पानी की व्यवस्था ना होने से लोगों को काफ़ी पैसे चुकाकर पानी की बोतल खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, जिससे काफ़ी समस्या हो रही है। तो वहीं अब समाज सेवी संस्थाएँ ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जहाँ सड़कों पर पीने के पानी का स्टॉल लगाया है, चाहे वह करैली क्षेत्र हो या फिर स्टेशन, जहाँ लोगों को समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा पानी मिल रहा है और गुड़ मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि वे धूप से बच सकें और अपनी प्यास बुझा सकें। मगर जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा सारी व्यवस्थाएं नदारद दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेशन पर पानी पीने के लिए लोगों की भीड़ लगी। अगर व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा होती तो शायद ये भीड़ यहाँ पर ना होती, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोगों को गर्मी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा नगर निगम कब व्यवस्था करता है या फिर समाज सेवी संस्थाएं करती रहती हैं। संगम नगरी प्रयागराज के गंगा नदी पर बने ये शास्त्री ब्रिज का नज़ारा है, जहां शास्त्री ब्रिज पर लगे बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभे अब दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, कुंभ से पहले जहां इस पुल की मरम्मत का कार्य होना है, जिसके लिए पैसे भी पास हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद अभी तक काम तो शुरू नहीं हुआ है। मगर जो यहाँ बिजली के खंभे लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के, वे अब सड़क की ओर लटक रहे हैं, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सबसे व्यस्त पुलों में से एक है शास्त्री ब्रिज। इससे झूसी की ओर जाने के लिए और बनारस जाने के लिए ये मार्ग का इस्तेमाल होता है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और नगर निगम के लोग कब इस पर ध्यान देते हुए इसको सही कराते हैं। लोक निर्माण विभाग का भी इसमें हस्तक्षेप है, अब देखना होगा विभाग कब इसको सही कराता है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।